हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फूड कुकिंग रेसिपी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबकी फेवरेट मटर पनीर की रेसिपी, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। गैस पर मैंने यहाँ पर एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें डाल रहे हैं हम यहाँ पर ये थोड़ा सा तेल। तेल को पूरे पैन में अच्छे से फैला लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम पनीर को पीसेस में काट कर लिया है, तो इसे हम पैन में डाल देंगे और इसे यहाँ पर हल्का सा सुनहरा होने तक सेक लेंगे। पनीर को जब हम फ्राई करके सब्जी में डालते हैं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जब ये नीचे से सिक जाएगा तो इसे पलट लेंगे और दोनों तरफ से इसे हल्का सा सुनहरा होने तक हम यहाँ पर सेक लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर ये पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में हल्का गुनगुना पानी लिया है, तो इसमें आप अगर फ्राई करके पनीर के पीस डाल देंगे तो ये इसी तरह से सॉफ्ट बने रहेंगे और सख्त नहीं होंगे। तो इसे रख देते हैं साइड में और सब्जी बनाने के लिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें डालेंगे फिर हम यहाँ पर 1 चम्मच तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा काट कर लिया है। इन्हें हम यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट होने तक प्याज को पकाएंगे। ये देखिए, 1-2 मिनट हुए हैं और प्याज हमारा ये हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है मोटा मोटा काट कर। इसे भी हम कढ़ाई में डाल लेंगे और प्याज के साथ कुछ देर तक अदरक लहसुन को भी यहाँ पर भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज के टमाटर को भी मोटा मोटा काट कर लिया है। इन्हें भी कढ़ाई में डाल लेंगे और साथ में लिया है 1/2 छोटी चम्मच नमक। तो नमक डालने से टमाटर जो हमारा जल्दी गल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को अब हम लो पर कर देंगे और लो फ्लेम पर इन मसालों को हम यहाँ पर ढककर पकाएंगे जब तक हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। ये देखिए, 2 से 3 मिनट इन्हें पकते हुए हो चुके हैं और ये देखिए टमाटर हमारे यहाँ पर जो है ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। प्याज टमाटर के इस पेस्ट को हम यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इसे साइड पर रख लेते हैं और फिर से मैंने उसी कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। इसमें डालेंगे फिर से 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का। यहाँ पर खड़े मसालों में मैंने ली है 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च। जीरा और गरम मसालों को यहाँ पर तेल में हल्का सा भून लेंगे, जिससे सब्जी में स्वाद जो आता है बहुत अच्छा आता है। देखिए, जीरे और खड़े मसाले हमने भून लिए हैं। तो अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और मसालों को यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। मसालों को कुछ सेकंड भूनने के बाद जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सी के जार में मसाले चिपके हुए थे, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे। सब्जी में हमने यहाँ पर नमक पहले ही डाला था, तो मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक और डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। मसालों को मिक्स कर लेंगे और अब हम इन मसालों को ढककर यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक इनका जो है मसालों से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, मसालों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं और इनसे देखिए ये तेल अलग होना शुरू हो गया है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने लिए यहाँ पर ये 2 चम्मच फ्रेश दूध की मलाई। तो आप यहाँ पर मलाई की जगह क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फ्रेश। तो इसे भी मिक्स कर लेंगे और मलाई डालकर यहाँ पर मसालों के साथ थोड़ी देर और पका लेंगे। ये देखिए, मलाई डालकर हमने मसालों को अच्छे से पका लिया है। तो मैंने यहाँ पर लिए ये 1 कटोरी मटर। तो अब ये मटर भी हम यहाँ पर डाल देंगे और मटर को भी मसालों के साथ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब आप ग्रेवी को जितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर पानी डाल लें। तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 गिलास पानी डाला है। पानी डालकर अब हम यहाँ पर सब्जी को ढक देंगे और ढक कर इसे यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 3-4 मिनट बाद सब्जी को चेक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी सब्जी की जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है और हमारे मटर भी यहाँ पर ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 चम्मच ये कस्तूरी मेथी और 1/2 चम्मच गरम मसाला। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और हमने जो ये पनीर फ्राई करके रखा हुआ था इसे भी हम कढ़ाई में डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम सब्जी को यहाँ पर फिर से ढक देंगे और ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे।
दो तीन मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी सब्जी यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारी पनीर की ये सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर सब्जी का आया है, कितनी अच्छे से ये बनकर तैयार हुई है। तो गैस को ऑफ करते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इस सब्जी को यहाँ पर रोटी, चावल, पूरी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा मटर पनीर बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।